आज 18 नवंबर 2019 है और सोमवार का दिन, श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941, मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है, शाम 5:10 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है, रात 10:21 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज भद्रा है, शाम 5:10 से देर रात 4:25 तक। गंड मूल है, रात 10:21 से। वैधरती महापात है, देर रात 1:13 से। आज 18 नवंबर 2019 को पुराने घर में प्रवेश का, व्यापार आरंभ करने का, नामकरण संस्कार का और मशीनरी और वाहन खरीदने का मुहूर्त है, सुबह 6:40 से शाम 5:10 तक। और नए मकान की नींव रखने का मुहूर्त है, सुबह 10:42 से शाम 5:10 तक। मेष राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप बहुत ज़्यादा भाग्य के भरोसे चल रहे हैं और इसी वजह से मन में कहीं ना कहीं खटका भी है कोई कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छी बात यह है कि तकदीर आपके साथ है और बहुत सारी चीज़ें संभली हुई हैं। इस बात को याद रखें कि किसी भी तरह का जोखिम उठाने से नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए मन में धैर्य बनाए रखना होगा और सुख है, सुकून है, ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसी अच्छाई को बनाए हुए आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं, सब कुछ ठीक रहेगा। वृषभ राशि वालों के हालात ठीक होने के बावजूद दबाव भरे हैं, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां साथ ही साथ चल रही हैं। पैसे से जुड़ी मुश्किलें भी आपके लिए बनी रह सकती हैं, क्योंकि पैसे के कहीं फंस जाने का भी अंदेशा है। इसलिए अपने कामकाज की स्थिति को भी इस रूप से चलाना होगा कि बाकी चीज़ों पर भी एक नज़र रखी जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखें जिसमें आपकी अच्छाई भी झलके और आपकी काबिलियत भी झलके। लगातार मेहनत करने से बहुत सारी चीज़ों को संभाला जा सकता है, जिसमें आपकी ओर से लोगों के प्रति बनती हुई अच्छाई भी शामिल है। मिथुन राशि वालों की साथी सहयोगियों की आलोचना आपके प्रति बनी रह सकती है, फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी हर बात को भलीभांति समझ पा रहे हैं। इस वजह से भी जिंदगी के प्रति अपना सुकून बना रहे, जिसे आप अपनी कोशिशों से समय के साथ बढ़ा पाए। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी आर्थिक स्थिति बरकरार, आपकी बचत आपके लिए हर तरह से मददगार। धन आगमन की निरंतरता बनाए रखने के लिए काम के प्रति अपने समर्पण को बहुत ऊंचे स्तर का ले जाना होगा। कर्क राशि वालों का लोगों से विचारों का मतभेद हो सकता है, वो इस वजह से भी क्योंकि आपके विचार भी प्रबल हैं और लोगों के विचार भी प्रबल हैं। ऐसे में किसी एक को तो झुकना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को समझने में मदद मिल सके। क्या करना चाहिए समय में? अपना भरोसा जिंदगी के प्रति ज़रूर बनाए रखें, लेकिन लोगों के क्या विचार बन रहे हैं उस बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। हो सकता है वो भी आपके हित की बात ही सोच रहे हों, पर कहने का और समझाने का तरीका फ़र्क हो सकता है, जिसकी वजह से आपके मन में परेशानियां उभरती चली जाएं, उन्हें भी संभाल लेने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों के रिश्तों के प्रति विचार बहुत अच्छे हैं और लोग भी बहुत हद तक आपकी बात को समझ पा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जो रिश्तों के प्रति आपके मनमुटाव को बढ़ाए। खासकर किसी प्यार के रिश्ते को संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते चले जाने से बचना होगा। अपनी इच्छाओं को उतना ही बनाएं जिन्हें संभाला जा सके। ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं बढ़ा लेने से भी नाकामियां ही हाथ लगती हैं, इसलिए अपने व्यवहार में भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। कन्या राशि वालों को घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए हर तरह की सफलता मिल सकती है। जो थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं उन्हें भी अपनी सूझबूझ से और अपने अच्छे प्रदर्शन से संभाला जा सकता है। ये अपने आप में आपकी सफलता को दर्शाता हुआ समय। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति ठीक है, जिसे संभाले रखना होगा, पर वो आर्थिक स्थिति धन आगमन के रूप में ठीक है, जबकि बचत को बनाए रखने के लिए आपको आपकी ओर से बहुत सारी कमियां भी नजर आ रही हैं, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तुला राशि वालों को अपनी कोशिशों को बनाए रखने के लिए अपनी जानकारी को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको कई तरह के नए और अच्छे विकल्प भी टटोलने होंगे। आपकी अच्छाई इस रूप से बनी रहेगी कि आप कुछ नया सीखने के प्रयास में अपनी मेहनत को बढ़ा पाएं। क्या करना चाहिए समय? कामकाज की स्थिति आपके लिए हर तरह से मददगार। काम में मन भी लग रहा है और तरक्की के रास्ते भी खुले हुए हैं, जिसके चलते आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। इसी तरह की लगन को बनाए रखने से जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों की मदद से बहुत कुछ कर पाएंगे। कई तरह के विकल्प ऐसे भी हैं जिसके बारे में बातचीत करने से कोई ना कोई रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। इसी के चलते आपकी समृद्धि के द्वार भी खुल जाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? भाग्यशाली समय है और वो इस वजह से भी क्योंकि काम के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, फिर भी आप कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही सोचकर अपने मन को भटकाते चले जा रहे हैं, जिससे बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों का भरोसा बढ़ा हुआ है और कई अच्छे विकल्प टटोलने में आपको मदद मिल सकती है।
पर पैसे की स्थिति को खतरे में डालना ठीक नहीं, इसलिए कई तरह के फैसलों को भी फिलहाल थाम लेने की जरूरत पड़ सकती है, खासकर ऐसे फैसलों को जिसमें पैसा लगाने की जरूरत पड़े। क्या करना चाहिए समय में? आपके विचार प्रबल हैं, लेकिन यही चीज़ आपकी परेशानी का कारण भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ चाह रहे हो लेकिन उस दिशा में रुकावटें भी हों, इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखने से भी फायदा हो सकता है। मकर राशि वाले किसी अच्छे काम के लिए खर्चा करना चाहेंगे तो भी कोई ना कोई नुकसान की स्थिति साथ ही साथ बनती रहेगी, इसलिए मिला जुला सा समय। कुल मिलाकर कई चीज़ों में अपने हाथ खींच लेने होंगे ताकि परिस्थितियाँ भविष्य के लिए भी संभली रहें। क्या करना चाहिए समय में? लोग आपके प्रति अच्छा सोचते हैं और आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, पर उसका अच्छा असर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कामकाज पर पड़ सकता है और रिश्ते भी संभले रहें ऐसा हो सकता है, पर पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर लोगों के भरोसे चलने से बचना होगा। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है पर उसे संभाले रखने की ज़रूरत है। कामकाज की स्थिति में परिस्थितियाँ हर तरह से अनुकूल हैं, पर मुश्किल यह है कि आपका मन बहुत भटका हुआ है जिस वजह से आप उस अच्छाई को भी देख नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपने भटकते हुए मन को थामना होगा। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे मन मुताबिक चलता है। मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है पर उसे इसी रूप से बनाए रखने के लिए अपने अंदर बहुत सारी व्यवहारिकता लानी होगी। लोगों से तालमेल बनाए रखने के लिए भी अपने व्यवहार में विनम्रता बढ़ानी होगी ताकि आपसी तालमेल को सुधारा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं पर घर परिवार में फिर भी तनाव का माहौल बना रह सकता है।